क्या रामायण के रावण ने अपना लिया इस्लाम धर्म? आदि पुरुष का टीजर देख आग बबूला हुए लोग। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर के जारी होते ही दर्शक निराश हो गए हैं। लोगों को न ही प्रभास का लुक पसंद आ रहा है, न ही फिल्म के VFX। टीजर के आने के साथ ही सोशल मीडिया पर डिसअपॉइंटेड ट्रेंड होने लगा है। लोग फिल्म के टीजर को काफी ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर एक और कीवर्ड ट्रेंड कर रहा है, वो है रावण। बता दें कि फिल्म आदिपुरुष में सैफ अली खान ने रामायण के रावण का किरदार निभाया है, लेकिन रावण ट्रेंड करने के पीछे की क्या वजह है? लोग क्यों कह रहे हैं कि आदिपुरुष की वजह से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं? आइए जानते हैं, आदिपुरुष क्या रामायण के रावण ने अपना लिया है इस्लाम धर्म? आदिपुरुष का टीचर देख आग बबूला हुए लोग। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर के जारी होते ही दर्शक निराश हो गए हैं। लोगों को ना ही प्रभास का लुक पसंद आ पा रहा है और ना ही फिल्म के VFX। टीजर के आने के साथ ही सोशल मीडिया पर डिसअपॉइंटेड ट्रेंड होने लगा है। लोग फिल्म के टीजर को काफी ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर एक और कीवर्ड ट्रेंड कर रहा है और वो है रावण। बता दें कि फिल्म आदि पुरुष में सैफ अली खान ने रामायण के रावण का किरदार निभाया है, लेकिन रावण ट्रेंड करने के पीछे की वजह क्या है? लोग क्यों कह रहे हैं कि आदि पुरुष की वजह से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं? आइए जानते हैं। बता दें कि ओम राउत के निर्देशन में बन रही फिल्म आदि पुरुष की कहानी पौराणिक कथा रामायण पर आधारित है। इस फिल्म में प्रभास भगवान राम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, वहीं सैफ अली खान रावण की भूमिका में दिखाई देंगे। टीजर के जारी होते ही दर्शकों ने सैफ अली खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर रावण ट्रेंड होने लगा है। लोगों का कहना है कि रावण को शिव भक्त के रूप में देखा गया है, जबकि सैफ का लुक मुगलों के किसी खूंखार शासक की तरह नजर आ रहा है। यूजर बोले, फिल्म के टीजर के एक सीन में सैफ अली खान को विशालकाय राक्षस नुमा परिंदे पर सवार दिखाया गया है, इसे लेकर भी फैंस ने नाराजगी जताई है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, रावण का वाहन पुष्पक था, ना कि कोई दैत्य, और रावण एक महान धार्मिक शख्सियत रही है, ना कि कोई राक्षस। एक अन्य यूजर ने लिखा, भारतीय फिल्म निर्माता चाहते हैं कि 50 वर्षीय अभिनेता 35 साल की महिला के बेटे की भूमिका निभाए। अलिफ लैला का VFX 400 करोड़ की फिल्म में फिट हो। रावण पर काम करने के लिए बाबर को मेकअप आर्टिस्ट बनाए। देश के राष्ट्रगान को फिल्म का थीम सॉन्ग बनाए। और फिर रोते हैं कि कोई उनकी फिल्में नहीं देखता।